हाय फ्रेंड्स, होप यू आर वेल। आज मैं आपको अपनी दिनचर्या के बारे में, डेली रूटीन्स के बारे में बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है कि मैं एक्टिंग लाइन से हूँ। अब एक्टिंग लाइन से आप बोलोगे कि भैया अगर एक्टर हो तो क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं, कौन से सीरियल में आया, कौन से मूवी में आया। अभी तो ऑडिशंस दे रहे हैं और कुछ एपिसोड किए हैं, एक आदि एड की है और वेब सीरीज की है। सो उसी में अभी कर रहे हैं। धीरे धीरे जब अच्छा नाम बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप जान जाओगे, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, जैसे कि सुबह एक एथलीट उठता है और वो अपनी प्रैक्टिस करता है कि यार आज मुझे इतने घंटे प्रैक्टिस करनी है, इतने घंटे रनिंग करनी है या ये एक्सरसाइज करनी है जिससे मेरी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी और मैं और अच्छे तरीके से मतलब प्रदर्शन कर पाऊंगा। वैसे ही हमें एक्टिंग में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे बुक्स रीड करनी पड़ती है और वोकैबुलरी थोड़ी सी मतलब और बढ़ानी पड़ती है और हमारा जो प्रोनंसिएशन है वो क्लियर करना पड़ता है, अपने डिक्शन पे काम करना पड़ता है। हिंदी की बुक पढ़नी पड़ती है, इंग्लिश की पढ़नी पड़ती है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख के जैसे जैसे बनती जाती है वैसे वैसे सीखते जाते हैं। और नए नए करेक्टर्स देखना, मतलब जैसे कोई मूवी लगी है तो वो मूवी में देखना कि यार ये एक्टर कितने बढ़िया तरीके से इस करेक्टर को निभा रहा है, इसे देखकर मज़ा आ रहा है, इसे देखकर लगता है कि क्या बात है इसमें। तो आजकल की ऑडियंस का नज़रिया भी बड़ा बदल गया है, एक्टिंग उनको समझ में आती है, परफॉर्मेंस कौन कर रहा है और कौन रियल जी कर उस करेक्टर को निभा रहा है, ये सारी चीज़ें उन्हें भी समझ में आने लग गई है। तो वैसे ही नज़रिए से हम देखते हैं कि यार ये बहुत बढ़िया लग रहा है, ये मैं अपने कहीं ना कहीं ऑडिशन में डालूंगा, कहीं ना कहीं चीज़ में डालूंगा तो मुझे और इम्प्रूवमेंट मिलेगी। यानी कि हमें डे बाई डे इम्प्रूव करना पड़ता है। तो वो चीज़ें होती है, एक दो ऐप है तानपुरा जैसे, उससे थोड़ा रियाज कर लिया, वो चीज़ें हो गई, मेडिटेशन हो गई। मेडिटेशन तो खैर मुझे किए हुए परसों ही हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि क्या हुआ था थोड़ा बैक में पेन हो गया तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई, तो उस वजह से सारी एक्सरसाइज छूट गई थी और फिर वायरल हो गया था, अभी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, देख रहे होंगे अभी भी मेरे मतलब नाक से ऐसा लग रहा होगा आवाज़ आ रही है। सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट डन कर दी है, अभी वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ तो इंस्टा के लिए, कि चलो सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा थोड़ा आगे पहुँचे। क्योंकि काफ़ी यार कास्टिंग वाले बोल देते थे कि यार प्रोफाइल चाहिए तो इंस्टा वाली चाहिए, उसमें इतने फॉलोअर, इतनी चीज़ें वाले, इतने वाले बंदे भी चाहिए। कुछ ऐसे हैं कि जिनको इन चीज़ों से मतलब नहीं है, करेक्टर में आप फिट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो वो भी है, मतलब हर टाइप की चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो उसी चीज़ों से हम मतलब अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम एक जरिया बना सकते हैं इनकम सोर्स का, कि थोड़ी इनकम आ जाए और थोड़ा यहाँ पे रहना आसान हो जाए। क्योंकि मुंबई के जो रेंट है यार बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब क्या बताऊँ, जिस एरिया में अभी हम रह रहे हैं गोरेगांव में, पहले यहाँ पे 1 BHK का प्राइस 15-16-17 हज़ार इतना होता था, अब 30-35-40 और वो 2 BHK 45-60 इतने पार हो गए। तो सोचो यार कितनी महंगाई बढ़ रही है। और जो एक्टर अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट होता है उसकी पेमेंट कहीं 3 महीने के बाद मिलती है, जो एपिसोडिक वाले भी ऐसे करने लग गए, सीरियल वाले भी ऐसे करते हैं, ऐड के जल्दी आ जाते हैं 10-15 दिन में, लेकिन बाकी जो सारे काम करते हैं यार वो बड़ी परेशानी हो जाती है कि यार इतने टाइम के बाद पेमेंट मिलेगी। अब लैंडलॉर्ड तो हमें नहीं छोड़ेगा ना, वो ओनर है जो, वो तो बोलेगा ना कि टाइम पे रेंट डालो, हर महीने चाहिए, तो वो भी करना है, राशन भी करना है, रहना भी है, खाना भी है, पीना भी है, तो वो चीज़ें कैसे चलेगी। तो इधर उधर जो चुटकू मुटकू काम करके सर्वाइव करके ही चलना पड़ेगा। अब एक चीज़ तो है कि जो बंदा जॉब कर रहा है उसकी तो हर महीने पेमेंट आनी ही आनी है, लेकिन जो बंदा एक्टिंग मतलब अपनी लाइन से आ गया तो वो क्या करेगा, या तो पार्ट टाइम काम करेगा या फिर एक्टिंग पे ध्यान देगा या फिर अपने क्राफ्ट पे काम करेगा। ये चीज़ें थोड़ी सी चलती रहती है। तो हाँ, मतलब अभी मतलब दिनचर्या के बारे में बता रहा था, ये चीज़ें हुई। तो उसके बाद मतलब सेल्फ मोटिवेटेड चीज़ें पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे अभी मैं मतलब भगवद गीता से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई होती है कि जो कर्मा है वो हमारे मतलब जो अभी हम सोच रहे हैं या हम सोचने की कर रहे हैं वो भी कर्म में इंक्लूडेड होता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो धीरे धीरे मुझे पता चल रही हैं, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगी, नहीं भी पता होगी तो कुकू FM पे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा पर बता रहा हूँ, ऐसे मतलब पॉडकास्ट है छोटे छोटे जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो जो आज मैंने भगवद गीता से जो चीज़ सीखी है कि भैया अपने
जो मेहनत है ना वो हमें करनी होगी। ऐसा नहीं है कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में यह चीज़ तो आ जाएगी, हमें क्या करना, हमें अपने हाथ पैर नहीं हिलाने। तो अगर थाली आपके सामने खाने की रख दी गई है तो आप सोचोगे कि नहीं यार ये तो पेट में चली जाएगी और खा के हमारा आराम से 10 चीज़ें हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। भगवान भी तभी हेल्प करेगा जब आप खुद की हेल्प करोगे। ये सारी चीज़ें बताई है और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब सीखने को मिलती है तो अच्छा लगता है। जैसे अभी जस्ट फकिंग डू इट एक बुक है, पॉडकास्ट में उसका सुन रहा था कि एनी हाउ आपने डिसीजन ले लिया है कि कोई काम है उसे करना है, आप ये मत सोचो कि उसका आपको मतलब क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, कितने प्रॉब्लम्स होगी। इतने आप चीज़ें सोचोगे कि यार अगर मैं ये करूँगा तो वो क्या सोचेगा, अगर मैं ये करूँगा यार ये दिक्कत हो जाएगी, यार ये करूँगा। आपको कॉन्फिडेंस है ना उस चीज़ पे, आपने सोचा है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी होगी और मुझे ये करने से सफलता मिल सकती है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में मत सोचो। क्योंकि मुश्किलें नहीं आएंगी तो चीज़ों का मज़ा लेने में कैसे मज़ा आएगा और कैसे आप आगे बढ़ोगे, ग्रोथ कैसे होगी, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो काफ़ी मतलब सीखने को भी मिलता है और चीज़ें करने को भी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार तूने ये पॉडकास्ट तो नहीं खोल लिया और हमें फालतू के प्रवचन या ज्ञान देने के लिए चले। अरे नहीं नहीं भैया, जो चीज़ें मतलब दिनचर्या में होती है, करता हूँ, जो मैं करता हूँ सीखता हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब कभी कभी क्या होता है कि अब घर में बैठे हैं कहीं ब्लॉगिंग करने नहीं जा सकते, लेकिन आप लोगों से जुड़ना तो पड़ेगा, आप लोगों को अपने साथ जोड़ना तो पड़ेगा, बातें तो शेयर करनी पड़ेगी, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो खैर अभी कॉफ़ी पीते हैं ब्लैक और फिर कुछ खाने के लिए देखते हैं, अगर कुछ बन पाए तो। उसके बाद गार्गल करूंगा, हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया गले की, क्योंकि बैंड बजी पड़ी है। दोस्तों मैंने वैलेंटाइन डे पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई और अभी डाली हैं। पहले से पहले मैंने मूवी रिव्यू चैनल बनाया था यार, वो इतना कुछ चला नहीं खास, उसका कुछ मुझे मतलब प्यार मिला नहीं जनता का इतना, तो मैंने दूसरा चैनल बना लिया। मैंने कहा यार इस पर 1 साल मेहनत कर ली, अब इसे हटाया जाए थोड़ी देर के लिए, कुछ और चीज़ों पर मेहनत की जाए। अब जैसे जैसे वो चैनल ग्रो हो जाएगा फिर धीरे धीरे उसकी भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्यार मिलेगा जैसे जैसे जनता का। अब सोच रहे होंगे 14 फरवरी पे घर पे बैठा है, अरे यार सिंगल नोटों का ऐसे ही होता भैया, कोई चिंता करनी है, ठीक है कोई बात नहीं। इस बात को हटा के हम दूसरी बात करते हैं कि ऐसे छोटे छोटे मैं ब्लॉग आपके सामने लाता रहूंगा और आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो। मिलते हैं फिर दोस्तों अगले ब्लॉग में, बाय।